बाहर यंग राज, लोग मेरे पास से बाहर हो रहे हैं। आदेश करें अंग्राज, जब परिस्थिति पीछे ढकेले तो मनुष्य को आगे बढ़ परिस्थिति को पीछे ढकेल देना चाहिए। आगे बढ़ो सत्य सेन। पिछली बार वो भाग्यशाली निकला, परंतु हर बार उसका भाग्य उसका साथ नहीं देगा। आचार्य, मैं जाके उस भीम को संभालता हूं, आप यहां रुक के सेना का नेतृत्व की। चलो साथ ही। किसका इतना दुस्साहस? मेरा युवराज दुर्योधन का रथ रोके, बोलो किसका ये साहस? मैंने किया है काकाश्री। अब बताओ गदाधारी भीम, हम पांचों के साथ युद्ध करने में तुम्हें कहीं भय तो नहीं लग रहा है? भय और भीम को तुम करो भयों से। अब आपके पास दो ही मार्ग है, द्वंद कीजिए या समर्पण। जाओ बालक, जाओ जाओ, जाके कहीं और खेलो। मैं दुर्योधन हूं, दुर्योधन मेरे साथ द्वंद करना भारी पड़ेगा तुम्हें। इस भ्रम में मत रहिएगा काकाश्री कि मैं आपसे द्वंद करने में सक्षम नहीं। बालक अवश्य, परंतु एक योद्धा भी। उत्तम, अति उत्तम अभिमन्यु। परंतु यदि तुम्हारा ये खेल समाप्त हो गया हो तो मैं जाऊं, क्या है ना बहुत ही महत्वपूर्ण, बंद करने जाना है मुझे। तुम्हारे लिए समय नहीं है मेरे पास अलग। परंतु द्वंद में आगे जाने का आप एक ही विकल्प है काकाश्री, कि आप मेरी चुनौती स्वीकार करें और मुझसे द्वंद करें। Let's go.
ऐसा शीन प्रहार जो मेरे रथ को हिला भी ना पाया। अच्छा तो सब घेर कर प्रहार करोगे? करो करो अपनी मंशा पूरी। सावधान अंग्रेज, नहीं मानेगा तू तो ठीक है, मेरे हाथों में तेरे को प्राप्त होने के लिए तत्पर हो जा। अंग्रेज कुशल तो हैं आप? हाँ, परंतु अगर ऐसे ही चलता रहा तो शीघ्र ही अर्जुन हमें इस कुरुक्षेत्र से बाहर निकाल देगा। क्या करें अंग्रेज? योद्धा के पास युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं। आगे बढ़ो सत्यसेन। प्रतीत होता है माधव कि कर्ण को युद्धभूमि से दूर रखने के लिए
ये अस्त्र पर्याप्त होगा। किसी निर्णय पर शीघ्र पहुंच जाना उचित नहीं होता पार्थ। अद्भुत, अति उत्तम, अति बलशाली प्रहार कर तुम वास्तव में एक कुशल योद्धा होकर। माधव, मैंने अपने बाण से कर्ण को युद्धभूमि से लगभग बाहर ही धकेल दिया, तब तो आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। कर्ण के प्रहार से हमारा रथ तनिक क्या कांपा, आप उसकी प्रशंसा ही किए जा रहे हैं। क्यों? शत्रु हो या मित्र, प्रतिभा और कौशल की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए पार। यदि ऐसा है तो मेरे प्रहार कर्ण से अधिक शक्तिशाली थे, तब भी आपने मेरी प्रशंसा नहीं की। मानता हूं पार कि तुम्हारे प्रहारों से कर्ण का रथ बहुत अधिक पीछे चला गया और कर्ण के प्रहार से हमारा रथ बस कुछ ही अंगुल पीछे गए। परंतु तुम ये मत भूलो पार्थ कि कर्ण के रथ पर बैठा सारथी एक सामान्य मनुष्य है। और तुम्हारे इस रथ पर मैं विद्यमान, साक्षात बजरंग बली विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का भार है इस रथ पर, और अपने प्रहार से इस रथ को पीछे धकेल देना बड़े कौशल की बात है पार्थ। अब तुम ही बताओ पार्थ, मैं कैसे इतने कुशल योद्धा की प्रशंसा ना करूं। वास्तव में कर्ण एक कुशल और वीर योद्धा है। रक्षा अब कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे सामने भीम नहीं, तुम्हारा काल खड़ा है। भीम, तूने क्या किया? कहाँ चले काकाश्री, वंद अभी शेष है।
मेरे मार्ग में माता बालक हट जा। मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए आर्य, उनके सुरक्षा के संकेत मेरे जलाए दीपकों की लौ डगमगा रही है। मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो रहा है स्वामी, ये अवश्य ही कोई अपशगुन है। महाबली भीम ने आपके एक और पुत्र का वध कर दिया है महाराज। कह दीजिए संजय से, ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यही सत्य है महाराज, महाबली भीम ने आपके पुत्रों का नाश करना आरंभ कर दिया है। ये क्या किया तुमने भीम, ये क्या किया? समर्थ है तो आकर मुझसे लड़, मेरे भाइयों का रथ क्यों भा रहा है? कायर की भांति क्या भाग रहे हो? साहस है तो युद्ध करो कर्ण। रणछोड़ की उपाधि मेरे लिए अपमान नहीं सम्मान है, ये मैंने माधव से ही सीखा है कि कभी कभी युद्ध टाल देना श्रेष्ठ होता है। हां मैं स्वीकारता हूं कि मैं यह द्वंद्व अपूर्ण छोड़कर जा रहा हूं, परंतु इस द्वंद को मैं बहुत शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। अर्जुन तुम ये समझ लो अर्जुन कि भीम के कारण तुम्हें कुछ और क्षण जीने का अवसर मिल गया है। शीघ्र करो सत्यसेन। सावधान कर्ण। अब क्या करें अंग्रेज, हमारा रथ तो फंस गया है और इसे यहां से हिलाना भी संभव नहीं, कैसे बढ़ेंगे हम आगे? हमें किसी भी परिस्थिति में यहां से निकलना होगा, अन्यथा भीम वहां अनर्थ कर देगा। आओ दासी द्रौपदी, आकर मेरी टंगा में बैठो। क्यों, क्या हुआ? अब मुख से अठास क्यों नहीं निकल रहा? हंसो और जोर से हंसो, अपने काल पर हंसकर दिखाओ। सैनिकों
लौट कर जाने का कोई मार्ग शेष नहीं, केवल एक ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मृत्यु प्राप्त करोगे और मैं अपने प्रतिशोध का लक्ष्य। मुझे बहुत ही कुशल साथी हैं अंगराज, अर्जुन को इस प्रकार नहीं रोक पाएंगे आप। अब एक ही उपाय है, किरणास्त्र। कर्ण वहां है माधव। अश्वत्थामा, सावधान अर्जुन। संजय तुम मौन क्यों? मेरा पुत्र दुर्योधन कहाँ है? युवराज दुर्योधन अभिमन्यु के द्वारा बनाए गए भवर में अभी भी फंसे हुए हैं महाराज। और भीम? महाबली भीम आपके एक और पुत्र की ओर काल बनकर बढ़ रहे महारानी। संजय, इतनी निष्ठुरता से तुम ये समाचार कैसे दे सकते हो? संजय, कैसे? क्षमा चाहता हूँ महारानी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण कर रहा हूँ और मेरा कर्तव्य ये है कि मैं आपको सत्य बताऊं। और सत्य ये है कि आपके पुत्रों का नाश आरंभ हो चुका है। नहीं, जब तक महारथी कर्ण युद्ध में उपस्थित है, कौरव वंश का अंत असंभव है। रक्त बह रहा है। युद्ध में
मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कर्ण कि तुम मेरे और कौरव के मध्य मत आओ, क्योंकि तुम मेरा आखेट नहीं, तुम अर्जुन का लक्ष्य हो। मैं अपने अनुज से उसका लक्ष्य नहीं छीन सकता। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं तुम्हें दोबारा छोड़ दूंगा। विकोदर भीम, भक्त, एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मेरा रक्त है, परंतु नहीं, ये रक्त तुम्हारा है। रक्त का रंग तो एक ही है हमारा, एक क्षण के लिए ही सही। तुमने इसे अपना रक्त समझा, इसीलिए तुम मेरे मानस अनुज हुए, और तुमसे ज्येष्ठ होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बस कर्ण, बस, एक और शब्द नहीं। इतना दुस्साहस, दुर्योधन के फेंके गए ग्रास पर पलने वाले सुपुत्र स्वयं को मेरा भाई कहने की उदंडता दिखा रहा है। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, हट जाओ मेरे मार्ग से। युद्ध का मार्ग मैंने स्वयं चुना है और इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। इस रेखा को देख रहे हो भीम? इस रेखा के घेरे के भीतर कौरव सुरक्षित हैं। सूर्यास्त होने में कुछ ही क्षण शेष हैं। यदि कल भी युद्ध करना चाहते हो तो इस रेखा को मत लांघना। प्रतीत होता है कि तुम्हारी जीवन रेखा आज ही समाप्त होने वाली है कर्ण। कल का सूर्योदय क्या, आज का सूर्यास्त भी तुम्हारे भाग्य में नहीं। सूत पुत्र कर्ण, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, प्रहार करो मुझ पर, आओ युद्ध करो मुझसे, आगे बढ़ो कर्ण। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। इस भंवर को ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता। इसे तोड़ने के लिए मुझे इस भंवर के दिशा के विपरीत दिशा में घूमना होगा, ताकि इस भंवर का प्रभाव कम कर सकूं। क्या हुआ कायर? अब तक तो बड़ी डिंगे मार रहे थे। अरे लज्जा आनी चाहिए तुम्हारी माता को, जिसने तुम जैसे निर्बल को जन्म दिया। यदि एक और शब्द अपनी जीभ से निकाला तो तुम्हारी जीभ काट कर फेंक दूंगा। जिसने मुझे जन्म दिया है उसके सम्मान के लिए स्वयं उसे दिया वचन भी भुला दूंगा। अपनी माता के मान पर चिंगारी पड़ी तो तिल मिला गए कर्ण। वो पांचाली भी किसी की माता थी, किसी की पुत्री थी, जिसे वस्त्रण के अपमान की अग्नि में जलना पड़ा।
और अब वो अग्नि कौरव पक्ष में उपस्थित हर एक को भस्म कर देगी। कर्ण, तुम्हें भी। एक महत्वपूर्ण सूचना है कौंते, वृकोदर भीम और अंगराज कर्ण के मध्य महाविकट द्वंद्व हो रहा है और परिणाम के संकेत शुभ नहीं है। माता, रथ को गधा भीम की ओर ले चलो। अर्जुन, तुमने हर एक परीक्षा में सफलता पाई है। देखना यह है कि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। अर्जुन की ओर से आचार्य द्रोण का ध्यान हटाओ। सारथी, आगे बढ़ो। बार बार मेरे समक्ष क्यों आ जाते हो? क्योंकि आपके प्रारब्ध में मुझसे द्वंद्व लिखा है आचार्य, अर्जुन से नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। सावधान। प्रणाम काकाश्री। विचित्र बात है ना कि प्रत्येक बार आप मुझसे युद्ध बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं। मूर्ख, आज मैं तुम्हें और इस द्वंद्व को समाप्त करके ही जाऊंगा। We'll be right back.
अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना पुत्रों, अपने पिताओं की प्रतिज्ञा को स्मरण रख और अपनी माता के अपमान को मत भूलना। पुत्र, ये धागा तुम्हारी हर विपदा से रक्षा करेगा। के साथ बचकाना खेल बंद करो। वहां देखो, कर्ण और भीम के मध्य घातक संग्राम छिड़ा है। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा मेरे होने वाले सम्राट। ना, जाओ और इस दुस्साहसी भीम का अंत कर दो। जाओ।